Hello everyone, hope you guys go through your previous lecture. Welcome to the second lecture of networks. Hopefully के आप लोगों ने पहले lecture में enough knowledge सीखा होगा कि जिसमें हमने देखा कि basic networks क्या हो सकते हैं, basic network terminology क्या हो सकती है, उसके अंदर कुछ हमने channels देखे, communication mode देखे थे कि किस तरह simplex, half duplex, duplex वो क्या होते हैं, कि वन वे कम्युनिकेशन क्या होगी, टू वे कम्युनिकेशन क्या होगी, एंड उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी. उसी को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं और आज एक सिनेरियो के साथ इस लेक्चर को डिस्कस करते हैं. सो आप लोगों ने देखा कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं. जब भी कम्युनिकेशन हो रही होती है नेटवर्क के ऊपर, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट्स मीन्स के ऑब्वियसली बात है, सेंडर और रिसीवर होंगे, प्रोटोकॉल होगा, और कोई ना कोई मीडियम होगा. वो वायरलेस हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है या फिर वायर्ड हो सकता है. अब वायरलेस कम्युनिकेशन या फिर वायर्ड कम्युनिकेशन हो सकती है. अब बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि एक क्लाइंट जो है वो एक सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर एक सर्वर जो है वो एक क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर एक सर्वर जो है वो मल्टीपल क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहा है. मीन्स वन टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी. तो इन लिंक्स को, इन जो हमारे पास जो कम्युनिकेशन लिंक्स बन रहे हैं, इनको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट या फिर मल्टी पॉइंट. हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट होती हैं और मल्टी पॉइंट होती हैं. पॉइंट टू पॉइंट मीन्स का क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. अगर नेम ही इसका एक्सप्रेस करवा दें हम कि वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान जो लिंक बनता है, ओके, पॉइंट टू पॉइंट हो गया. वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक बेसिकली किस तरह बनेगा, लॉजिकली. पॉइंट टू पॉइंट लिंक लॉजिकली बनेगा कि दरमियान में कोई इंटरप्शन ना हो, कोई और डिवाइसेस या कोई और कम्युनिकेशन नोड्स वो अकर ना हो, ठीक है. मल्टी पॉइंट भी आते हैं. एक आपका मेन फ्रेम, मेन फ्रेम आप सब जानते हैं कि मेन फ्रेम सर्वर को कहते हैं. सर्वर कम्युनिकेट कर रहा है मल्टीपल स्टेशन के साथ, मल्टीपल स्टेशन के साथ. पॉइंट टू पॉइंट की एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि आपने देखे होंगे कि आपके पास एक्सेस पॉइंट होते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जिसे हम एपी कहते हैं, या फिर आपके जो टेलीकॉम टावर्स हैं उनके ऊपर माइक्रोवेव डिशेस लगी होती हैं, फ्लैट डिशेस लगी होती हैं, जिसे हम एंटीनास कहते हैं, माइक्रोवेव डिशेस कहते हैं. वो क्या करते हैं, एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट लिंक कर रहे होते हैं. एग्जैक्टली उनकी जो सेटलमेंट होती है, उनके जो सिग्नल्स होते हैं, कि वो एग्जैक्टली सेम ही एंगल पे वर्क करें. फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास ये दो आप एग्जाम्पल ले लें कि माइक्रोवेव डिशेज हैं. इन केस अगर मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेट है, तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक वर्क करेगा. अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव कर दूं और ये मेरे पास इस तरह कर रहा है, तो मेरा पॉइंट टू पॉइंट लिंक कभी भी एस्टेब्लिश नहीं हो सकता. तो नेटवर्क्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, जब हम उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी, उसकी करेक्टरिस्टिक्स से कुछ फीचर्स को देखना पड़ता है, कुछ फैक्टर्स को देखना पड़ता है. तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप. इसी के साथ आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ कि किस तरह हमारे पास वर्क हो रहा है. ये हमने डिस्कस कर लिया था कि कम्युनिकेशन चैनल्स मोड्स किस तरह बनाए जाते हैं. ये आपके पास नज़र आ रहा होगा कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के साथ लिंक हो रहा है, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट है. एक मेन फ्रेम है, सर्वर है आपके पास, मल्टीपल स्टेशन को कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो मल्टी पॉइंट लिंक हो जाएगा. इसकी टाइप्स हैं, इसके डेप्थ में हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ मेरा बेसिक जो फोकस है वो आपकी बेस बनाना. इनकेस अगर मैं डायरेक्टली ही मेन नेटवर्क के ऊपर मूव कर जाऊँ, तो आपकी बेस नहीं बन सकती. उसके बाद आता है, अब नेटवर्क आपने बना लिया, नेटवर्क आपने डिज़ाइन कर लिया, या फिर नेटवर्क के बारे में आपने कुछ सीख लिया. अब नेटवर्क एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपस में लिंक है, कम्युनिकेट हो रहे हैं, ठीक है. अब तब क्या होगा, जब मल्टीपल कम्युनिकेशन नोड्स हम ऐड करेंगे अपने नेटवर्क के अंदर. मैंने तो आपको केस सिनेरियो बताया था सिर्फ दो का, कि भाई एक हमारे पास दो लैपटॉप है, मैंने उनको आपस में कनेक्ट कर दिया किसी भी डिवाइस के साथ या फिर इथरनेट केबल के साथ, ओके, कनेक्ट हो गया. अब तब क्या होगा, जब मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, मल्टीपल लैपटॉप्स या नेटवर्क नोड्स या फिर नेटवर्क होस्ट कनेक्ट होंगे, दो लैपटॉप आ गए, दो से ज़्यादा, तीन, चार, पाँच, छः, सात, एंड सो ऑन बढ़ते जाएंगे, तो उन लैपटॉप्स को, उन डिवाइसेस को, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को जो नेटवर्क के ऊपर अटैच हो रही हैं,
उनको मैं किस वे में कनेक्ट करूँगा, हाउ टू अरेंज नेटवर्क डिवाइसेस इन आवर नेटवर्क, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड आर टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या चीज़ है कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क की टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाए टोपोलॉजी, एक ऐसा वे कि किस वे में हम अपनी नेटवर्क डिवाइसेस को, अपने नेटवर्क कम्युनिकेशन मोड को किस तरह अरेंज कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास है, हम क्या करते हैं कि एक सेंट्रलाइज पॉइंट सेट कर देते हैं, वही हमारे पास स्विच या फिर हब लग गया, हमने उसको कनेक्ट कर दिया। हब और स्विच के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क डिवाइसेस ये वर्क किस तरह करती हैं। आप सिंपल एक हब लगा लें, हब का काम क्या होगा कि आपकी जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको आप उस पर कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब किस वे में कनेक्ट करना है, स्टार की वे में, ठीक है, मैश, स्टार, बस एंड रिंग टोपोलॉजी। आपको मैं पिक्चर्स के साथ समझाता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा डायग्राम बेसिकली वर्क किस तरह करेगी। इसकी करेक्टरिस्टिक्स आप होपफुली अपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग जो आपके प्रीवियस जो सेमेस्टर में कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए गए थे उसमें ये बहुत से डेस्क में बताए गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको फोकस करना बनता है। मैं आपको बेसिकली जो ओवरव्यू है वो बता देता हूँ कि ये होता किस तरह। ये है मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी आपको देखने में ही लग रहा होगा कितना कम्प्लेक्स सिनेरियो है, क्योंकि ईच नोड, हर नोड एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है, कोई भी ऐसे ही नोड नहीं है जो उसके साथ कनेक्ट ना हो। इसमें क्या होता है कि हमारे पास रिडंडेंट लिंक्स बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पर रिडंडेंट लिंक्स आ जाए वहाँ पे कंप्लीट सेटअप बन जाता है, किसका, लूप्स का बन जाता है, वो भी डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ए टू जी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अब देख लें, आप नेटवर्क आपके पास आपको शो हो रहा है कि हर नोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है, कंप्लीट नोड्स कनेक्ट हो रही हैं, एक ऐसी नोड नहीं है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना हो। इसकी डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है इन केस। अच्छा, इसका जो एक प्लस पॉइंट है, इसकी जो ब्यूटी है वो यही है कि इन केस अगर मेरे पास, फॉर एग्जांपल, ये स्टेशन मेरे पास ब्रेक हो गया, इस स्टेशन ने इसके साथ कम्युनिकेट करना, ये स्टेशन ब्रेक हो गया, तो इसके पास बाकी मल्टीपल लिंक्स हैं, मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल राउंड्स हैं जो कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे जो नेटवर्क के अंदर इंटरनेट, जिसे आप कहते हैं कि इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, आप आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ट्रस्टेड नेटवर्क अनट्रस्टेड नेटवर्क से मूव कर रहे हैं आप, तो वो बेसिकली यही चीज़ हम कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर कि वो मैश टोपोलॉजी होती है। कॉम्प्लेक्स है नो डाउट, लेकिन इसकी ब्यूटी यही है, प्लस पॉइंट यही है कि आपको इन केस अगर आपका लिंक ब्रेक हो गया एक सर्वर से, तो आपको दूसरे वे में लेके आपको अपने आपके सर्वर के साथ कम्युनिकेट करवा देता है। अब ये देखें, अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए, मतलब मैश टोपोलॉजी है तो कितने नोड्स होंगे नेटवर्क के अंदर, तो उसके लिंक्स कितने बनेंगे, उसके लिए भी फार्मूला डिज़ाइन किया गया कि वो किस तरह कनेक्ट होगा। हम मतलब इस अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इस टोपोलॉजी को अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो किस वे में डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए ये फार्मूला है, n(n-1)/2 एंड फुल डुप्लेक्स लिंक्स हैं। ऑब्वियस ही बात है, फुल डुप्लेक्स लिंक्स बनेंगे, इनके डुप्लेक्स लिंक्स आप जानते हैं कि क्या हो सकते हैं। आफ्टर दिस डिस्कस करते हैं थोड़े से स्टार टोपोलॉजी को। स्टार टोपोलॉजी क्या चीज़ है कि एक सेंट्रलाइज नेटवर्क डिवाइस के साथ आपस में नोड्स जो हैं वो कनेक्ट होंगे। अब आप खुद सोचें, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि सेंट्रल अगर मेरे पास आप है, सिर्फ एक ही मेरे पास नेटवर्क डिवाइस है और मल्टीपल नोड्स मेरे पास कनेक्ट हैं उसके साथ, इन केस मेरे पास अगर वही नेटवर्क डिवाइस जो है, वो जो हब है मेरे पास, वो किसी भी वजह से फेलियर उसके अंदर अकर हो जाती है, वो लिंक ब्रेक हो सकता है उसका, या फिर वो डिवाइस खुद ही फेलियर उसमें कंप्लीट किसी भी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, वट एवर जो मर्जी कोई भी है, वो डैमेज अकर हो सकता है, तो क्या होगा कि उस नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स हैं वो अनेबल हो जाएंगे कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसका बैड इम्पैक्ट सबसे बड़ा यही है हमारे नेटवर्क के अंदर, टोपोलॉजीज के अंदर। लेकिन ब्यूटी यही है कि आप इसको इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है, आप इजी वे में इसको सेट कर सकते हैं। यह है स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद बस टोपोलॉजी आती है। बस टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि एक सिंपल बस की सूरत में वो आपको शो हो रहा होगा, बैक एंड पे देखेंगे ये बस है आपके पास सिंपल, कि
देखिए केबल है, केबल बस का मेंस के नाम इसलिए दिया गया, इसकी डिजाइनिंग इस तरह से की गई है। एक सिंपल एक बस होता है, ये आपके पास एक केबल शो हो रहा होगा, आपके पास इनके दो एंड पे एक टैप्स लगी हुए हैं ताकि सिग्नल्स जो हैं वो डाइवर्स ना हो, वो रीलोकेट ना हो, उनके उन सिग्नल्स की वजह से लूप ना बने आपके केबल के अंदर, आपके बस के अंदर। ये बस टोपोलॉजी है, इसके आप प्रोज एंड कॉन्स खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पढ़ा दी जा चुकी हैं, बहुत बेसिक्स हैं ये, तो इनको ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं देखेंगे। हमारा मेन फोकस है कि हम नेटवर्क टोपोलॉजीज जो हैं उनको जस्ट गो थ्रू करें। अच्छा, जो प्रीवियस है इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, ठीक है, आपके जितने भी GSM के जो नेटवर्क्स हैं, सेलुलर नेटवर्क्स हैं, वो इनकी एग्जांपल्स हैं। बस टोपोलॉजी आपने देख ली। अच्छा, बस टोपोलॉजी में ये होगा कि ऑब्वियसली बात है इसमें डुप्लीकेट लिंक्स नहीं है, स्टार टोपोलॉजी में भी डुप्लीकेट लिंक्स नहीं थे, ठीक है। तो इन केस अगर मेरे पास से यहाँ से केबल ब्रेक हो जाती है किसी भी वजह से, ठीक है, यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो ये जो नोड है, ये जो स्टेशन है, वो अनेबल होगा इनके साथ कम्युनिकेट करने से। इसी तरह रिंग टोपोलॉजी है, रिंग की शेप में जो जितने भी डिवाइसेज हैं, नेटवर्क डिवाइसेज हैं, वो कनेक्ट होती हैं। ये देख ले, रिंग की शेप है, एक बनी हुई है, इनके साथ नेटवर्क डिवाइसेज कनेक्ट हैं, रिपीटर्स हैं और इसमें एम्पलीफायर्स हो सकते हैं। केबल्स के अंदर जब हम कम्युनिकेशन लिंक डिज़ाइन कर रहे होते हैं फिजिकली, तो उसमें रिपीटर्स और एम्पलीफायर्स का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इट्स अप टू यू गाइस कि आप इसको किस तरह एक्सप्लोर करेंगे। तो ये बेसिक एक नाउ हाउ आपको दे रहा था, जो आपके जो प्रीवियस जो कंसेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करवा रहा था मैं, कि किस तरह हमारी जो टोपोलॉजीज हैं वो वर्क करती हैं। हाइब्रिड है, बहुत ज़्यादा सिनेरियोज इस तरह के हैं कि हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज़ की जा रही है, हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। बाकी वही सिनेरियोज आ जाते हैं नेटवर्क की टाइप्स की, कि लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, एंड इसी तरह पर्सनल एरिया नेटवर्क्स हैं। इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकती है, मल्टीपल जो ISPs हैं वो किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो मल्टीपल नेटवर्क्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट किस तरह कर रहे हैं, एक मैन मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, मैन नेटवर्क किस तरह कम्युनिकेट करता है, लैंड नेटवर्क कम्युनिकेट किस तरह करता है, वैन नेटवर्क कम्युनिकेट किस तरह करता है, ये इंशाल्लाह ताला हम अपने लेक्चर्स के अंदर गो थ्रू करेंगे। अब इसी तरह थोड़ा सा एक फिजिकल सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, नेटवर्क का सिनेरियो, ये कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है नेटवर्क के अंदर, हमारे पास जो आइडेंटिफायर्स होते हैं किस तरह पैकेट या IP डाटाग्राम जिसे हम पैकेट कहते हैं, वो किस तरह PC1 से PC2 पे कम्युनिकेट होगा, या फिर User1 से User2 पे कम्युनिकेट होगा। अच्छा, ये देखें, इसकी एग्जांपल आप वही उठा सकते हैं कि बस टोपोलॉजी के ज़रिए सिंपल एक हमने सिंगल लाइन के साथ उसको कनेक्ट कर ली, ठीक है। ये सबसे हमारा चीपर सोल्यूशन होता है, क्योंकि इन केस हमारे पास कोई इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि एक हम अच्छा नेटवर्क डिज़ाइन कर सकें, तो हम क्या करते हैं कि एक चीपर सोल्यूशन के ऊपर मूव करते हैं और इस तरह की टोपोलॉजी, इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको मूव करें, यहाँ पे एक और PC लगा लें, यहाँ पे एक PC लगा लें, यहाँ पे PC लगा लें, ठीक है, आप इनको आपस में कम्युनिकेट कर लिंक करवा देंगे, वो रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। अब रिंग टोपोलॉजी में बेसिकली कम्युनिकेशन किस तरह होती है, जिसे हम टोकन रिंग कहते हैं, टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये सब के सब लैंड टेक्नोलॉजीज हैं, Layer 2 टेक्नोलॉजीज हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, Layer 2 टेक्नोलॉजीज कौन सी, ये सब का सब लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेशन हो रही है, ये एक सिंगल नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन हो रही है, आउट ऑफ द नेटवर्क हम मूव नहीं कर रहे। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है सिनेरियोज का, ठीक है, टोपोलॉजीज का, लैन ये रिंग हो गई, मैश हो गई, मैश आप वैन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह ये लिंक बन रहा है। अगर इन केस एक लिंक मेरे पास ब्रेक हो जाता है तो कम्युनिकेशन तब भी पॉसिबल है, वो क्या करेगा कि ट्रैवर्स करेगा दोबारा, अगर ये नोड और यहाँ पे कोई नोड है वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे इस लिंक ब्रेक होने की वजह से, तो वो क्या करेंगे,
ट्रेवर्स करेंगे। इनके अंदर क्या होता है, बेसिकली टोकन रिंग्स होते हैं, टोकन पास होता है, ठीक है, वो इजाज़त देता है टोकन कि कौन सा नोड जो है वो कब कम्युनिकेशन कर सकता है और कब वो सिर्फ डम बैठा होगा। सिर्फ उसका काम क्या होगा कि पैकेट उसके पास आएगा, वो एक पार्सर का काम करेगा, वो सिर्फ पैकेट को पास करवा देगा, ठीक है। तो इस तरह इनकी कम्युनिकेशन बताई जाती है इनके अंदर। मैं डिस्कस करने लगा हूँ थोड़ा सा आपका फिजिकल सिनेरियो कि किस तरह हमारे पास जो कम्युनिकेशन है, दो होस्ट हैं हमारे पास, ठीक है, या फिर दो नोड्स हैं नेटवर्क के ऊपर, वो कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। आप सब जानते हैं आईपी एड्रेसेस के बारे में। आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं? आइडेंटिफायर होते हैं नेटवर्क के ऊपर कि कौन सा आईपी डाटाग्राम किस एड्रेस पे मैंने पहुंचाना है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, हर पीसी विदाउट आईपी एड्रेसेस, विदाउट आईपीज हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते नेटवर्क के ऊपर। ये है सिंपल एक लैन का सिनेरियो, लोकल एरिया नेटवर्क का सिनेरियो। इसमें क्या होगा, सोर्स आईपी होगा, सोर्स मैक एड्रेस, ठीक है। इसका क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी होगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। मींस कि ये मैं सोर्स अज्यूम कर रहा हूँ और ये मैं डेस्टिनेशन अज्यूम कर रहा हूँ। अब होगा किस तरह कि पीसी वन ने पीसी टू से कम्युनिकेट करना है, एक हेलो का पैकेट सेंड करना है, एक हेलो का आईपी डाटाग्राम सेंड करना है। इसने सेंड किया हेलो, यहाँ पे गया। अब ये रिक्वेस्ट जनरेट करेगा ब्रॉडकास्ट की, एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा ब्रॉडकास्ट की। मैं यहाँ पे हब भी लगा सकता हूँ, नेटवर्क डिवाइस जिसे आप कहते हैं। एक हब लगी है मेरे पास, या फिर आप ये लिख सकते हैं, मेरे पास एक हब भी मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, स्विच भी यूज़ कर सकता हूँ। वो हम इंशाल्लाह जब हम ओ एस ए मॉडल्स की तरफ मूव करेंगे, बाकायदा तौर पर नेटवर्क को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बताऊँगा कि ये किस तरह वर्क करती हैं सारी की सारी डिवाइसेस। हब लगा दिया मैंने, अब क्या करेगा कि पी सी वन ने पी सी टू से कम्युनिकेट करना है। अब पी सी वन को नहीं पता कि इसका डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ पड़ा है, किस वे में पड़ा है, इसको आइडिया नहीं है। इसने क्या करना है, सिर्फ इधर से एक पैकेट सेंड करना है। वो पैकेट एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के ऊपर मूव करेगा, एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल चलता है जिसे हम कहते हैं आर्प। ये एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा आर्प, आर्प, आर्प। फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर और भी इस डिवाइसेस के साथ, इस नेटवर्क के साथ, हब के साथ, सॉरी, पीसी थ्री, पीसी फोर, पीसी फाइव, मैं ऐड करता जाऊँ। मेरे पास हब बड़ी है, मैं 8 पोर्ट्स उसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, मैं 16 पोर्ट ऐड कर सकता हूँ, या वट एवर जितने मर्जी मैं लिंक, मेरे पास डिपेंड करता है कि मैं कितना लिंक उसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, कितनी कम्युनिकेशन नोट्स ऐड कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट क्या जनरेट होगी, आर 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 आर। अब आर का मतलब क्या है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या करेगा वो, एक पैकेट लेके जाएगा, पैकेट लेके जाएगा आईपी के ज़रिए, ठीक है। अब इसने पैकेट सेंड करना है पीसी टू को, इसको ये तो पता है कि पीसी टू का आईपी क्या है, लेकिन इसको मैक एड्रेस का नहीं पता। नेक्स्ट टाइम जब कम्युनिकेट करेगा तो इसको आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास कम्युनिकेशन किस तरह है। इसे हम बेसिकली कहते हैं कि एक टेबल बनता है, जिसे हम मैक टेबल कहते हैं, या फिर कम्युनिकेशन टेबल आप कह सकते हैं। किस तरह करेगा कि सब में जाएगी ये रिक्वेस्ट, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इधर से आईपी की है, ठीक है, और इधर से क्या लेके आएगा, वो वापस मैक लेके आएगा। तो वापस ये रिप्लाई करेगा कि यस आई एम पीसी टू, दिस पैकेट फॉर मी, हेलो पैकेट फॉर मी, एंड वो दोबारा एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और यहाँ पे उसको रिप्लाई बैक करेगा। रिप्लाई बैक में क्या हुआ कि इसको पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह की कम्युनिकेशन बनती है इसके अंदर। और पैकेट्स जब हमारे पास एक आईपी डाटाग्राम बनता है, आईपी डाटाग्राम में क्या होता है कि सोर्स आईपी आपका होगा, डेस्टिनेशन आईपी होगा, ठीक है, और सोर्स मैक एड्रेस होगा और सोर्स पोर्ट होगी। लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं जो कि सर्विसेज को मूव करवाती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
लाइक आप HTTP सर्विस यूज़ करते हैं, आप FTP सर्विस यूज़ करते हैं, फाइल शेयरिंग की कोई भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, आप रिमोट सेशन लेते हैं, तो इन सब के बैक एंड पे लॉजिकल पोर्ट्स का एक कंसेप्ट है, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये बेसिकली एक सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश की है कि ये सिनेरियो किस तरह मूव करता है नेटवर्क टू नेटवर्क। अगर मैं इस नेटवर्क इसके अंदर मल्टीपल नोड्स ऐड कर देता हूँ, मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस ऐड कर देता हूँ, तो वो कम्युनिकेशन किस तरह होगी, कम्युनिकेशन बढ़ती जाएगी। फिर इसके अंदर ब्रॉडकास्ट डोमेन का कंसेप्ट आ जाएगा, कुलियन डोमेन का कंसेप्ट आ जाएगा कि कुलियन डोमेन किस तरह होती है, ब्रॉडकास्ट डोमेन किस तरह इसमें अकर होती है। इसके अंदर लूप्स का फिर कंसेप्ट आ जाएगा कि ये डिवाइस अभी आपको जो मैंने बताया कि हब कम्युनिकेट किस तरह करता है, किस लिए हम इसको नेटवर्क के अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसको रिप्लेस करते हैं स्विच के जरिए, इंटेलिजेंट डिवाइसेज है, इसको रिप्लेस करते हैं राउटर के जरिए, इंटेलिजेंट डिवाइसेज है। तो किस तरह स्टेप बाय स्टेप नेटवर्क जब चेंज हो रहा है तो उसमें भी डिवाइसेज चेंज हो जाती हैं। इसी तरह मल्टीपल ISPs हैं, वो कम्युनिकेट किस तरह करती हैं, और ISPs का जो सिनेरियो है, फॉर एग्जांपल आपके जो एक लैपटॉप से मूव कर रहे हैं आप, आपकी रिक्वेस्ट किस तरह स्टेप बाय स्टेप जाती है और एट देन ISP पे रिक्वेस्ट रिसीव होती है, और वो ISP वापस आपको आपके एड्रेस या फिर आपके रिक्वेस्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। लाइक आपने जस्ट एंटर किया google.com, विद इन माइक्रो सेकेंड, अगर आपके पास लिंक अच्छा है इंटरनेट का, विद इन माइक्रो सेकेंड किस तरह आप उसका पेज आपके लैपटॉप पे शो हो रहा होता है, स्क्रीन पे शो होने लग जाता है। तो ये केस भी हम डिस्कस करेंगे, ये सिनेरियो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।